अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां शास्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद में परंपरागत आयोजन ही किए जाएं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखें व भीड़ के नियंत्रण हेतु पूर्व से ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। त्योहार शांति व पूर्ण सौहार्द एवं सुरक्षित रहकर बनाएं। किसी भी प्रकार से भीड़ एकत्रित न होने दें। साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जल भराव क्षेत्रों का चयन कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश जिलाधिकारी नेहा जैन एवं पुलिस अधीक्षक सुनीति द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी त्यौहार मुहर्रम को दृष्टिगत कानून शांति व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित शांति समिति के सदस्यों व पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने आगामी मुहर्रम एवं अन्य त्योहारों को पूर्ण सद्भाव से यथासंभव अपने अपने घरों पर ही मनाए जाने हेतु सबसे सुझाव लिए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी धर्म के त्योहारों को पूर्ण सौहार्द के साथ मनाया जाए। बाकी दो चीज बोलना चाहूंगा। में जल भराव वाला जो इशू है वो आप पहले और जी भाने के सामने एक इशू यही तो जो मैम बाद में हो जाएगा। आगामी त्योहार जैसे श्रावण मास का आखिरी सोमवार, मुहर्रम, रक्षाबंधन और ऐसे ही इस माह में पड़ने वाले सभी त्योहारों के दृष्टिगत मेरे और टीम साहब के द्वारा जनपद स्तर पर एक पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, संभ्रांत व्यक्ति, साथ साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे अलग अलग विभाग के, सब सम्मिलित हुए। जो भी इश्यूज थे, जो पब्लिक की तरफ से जो कंसर्न रेज हुए, उन पे त्वरित ही डिसीजन ले लिया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।